इस सेशन के अंदर हम बेसिकली कवर करेंगे ऑप्शंस को, थोड़ा सा रिव्यू लेंगे कॉल ऑप्शन क्या होता है, देन हम पुट ऑप्शन को डिटेल में कवर कर रहे होंगे। तो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी कवर कर रहे होंगे, प्लस लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशंस को भी देख रहे होंगे कॉल ऑप्शन की साथ ही साथ पुट ऑप्शन की। तो अगर आप पिछली क्लासेस याद हो तो हम ये डिस्कस कर चुके थे, मैं तेज़ी से अगर गो थ्रू करूँ, ये ग्राफ था कि कॉल ऑप्शन क्या था, राइट टू बाय। आप कोई भी चीज़ बाय करना चाहते हैं सही फ्यूचर में, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप बाय करें, आप पहले से देकर रिजर्व करवा लेंगे अपना राइट। अगर आपको लगेगा कि आपको लॉस हो रहा है या फ्यूचर में फ़ायदा हो रहा है अपना रिस्क मिटिगेट करने के लिए, तो आप उसको मिनिमाइज कर, तो आप उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे। उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का मतलब ये होगा कि आप बाय कर रहे हैं, उस ऑप्शन को एक्सरसाइज ना करने का मतलब ये है कि आप बाय नहीं कर रहे हैं, यानी आपका सिर्फ प्रीमियम वेस्ट हुआ अगर आपने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया। लेकिन अगर आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया तो जो ऑप्शन की एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज प्राइस, उसकी जो स्ट्राइक प्राइस होगी, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट होगा, सही है। और ये वाली बात मैंने एग्जांपल के तौर पे सिर्फ एक रिव्यू लेना चाह रहा हूँ ताकि मैं पुट ऑप्शन की तरफ जब जाऊँ तो इसमें प्रॉब्लम आपको ना हो, ठीक है। सो पुट ऑप्शन की तरफ अगर हम जा रहे हो, लॉन्ग ऑप्शन की कॉल ऑप्शन की तरफ जा रहे होते हैं, तो अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पर ये जो अमाउंट नज़र आ रही है, सर कौन सी, ये ओके हाइलाइटर के तौर पे, यस हियर इट इज़, यस आई होप माउस आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये एक्सरसाइज 900 रुपये की प्राइस थी, आपने 50 रुपये देकर कंफर्म करवा लिया था, आप 700 रुपये का है तो आप जाहिर सी बात है 50 रुपये आपके ज़ाया हुए, 800 रुपये हैं तो योर ओनली लॉस विल बी प्रीमियम जो आपने पे किया है 50, 900 भी है तो भी प्रीवियस, अच्छा 950 है तो इसका मतलब आप ज़रूर खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास राइट है 900 खरीदने का, ठीक है। अच्छा 900 की प्राइस आप मार्केट से खरीदें या ऑप्शन एक्सरसाइज करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मार्केट में 950 का है तो आपके पास राइट है 900 रुपये में ख़रीदने का, तो क्या होगा, एटलीस्ट जो 50 रुपये दिए थे वो रिकवर कर सकते होंगे, डेट्स वाई आपका प्रॉफिट नहीं हो गया। 1000 रुपये है तो जाहिर सी बात है अगर एक चीज़ मार्केट में 1000 रुपये की है और आपके पास राइट है उसको बाय करने का 900 में, तो 100 रुपये का फ़ायदा नज़र आ रहा है। तो प्राइस का डिफरेंस 100 रुपये है, मार्केट प्राइस या स्ट्राइक प्राइस का एक्सरसाइज प्राइस से जो डिफरेंस है वो 100 रुपये है, लेकिन उस पर जो प्रीमियम होगा वो प्रीमियम 50 एडजस्ट होगा, तो आपका नेट प्रॉफिट, नेट पे ऑफ कितना बना, 50, सही है। इसी तरीके से 1100 वाली बात, और देन हमने इसको ग्राफ के तौर पे भी डिस्कस किया था कि अगर कोई बाय करेगा तो उसकी सिचुएशन क्या होगी, कि वो अगर प्राइस कम होगी तो उसका लॉस सिर्फ और सिर्फ ये -50 है, लेकिन उसका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर कोई सेल कर देगा तो उसका प्रॉफिट इतना ही रहेगा, लेकिन अगर प्राइस बढ़ गई, उसकी फोरकास्टिंग गलत हो गई, स्पेकुलेशन गलत हो गई, तो उसको फ़ायदे के बजाय क्या हो जाएगा, लॉस भी हो सकता होगा। तो इसी बात को हमने ग्राफ में डिस्कस किया था, और डिस्कशन में आपको मालूम था कि लॉन्ग पोजीशन वाले का मैक्सिमम प्रॉफिट लॉस कितना होगा, लॉस मैक्सिमम लॉस सिर्फ 50 होगा, ठीक है, तो वो हेजर के तौर पर आ रहा है, लेकिन उसका प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है। लेकिन शॉर्ट पोजीशन मैक्सिमम कितना अर्न कर रहा है, 50, लेकिन उसका लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। तो टेक्निकली ये ज़ीरो सम गेम कहलाती है। ज़ीरो सम गेम का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर एक पार्टी को प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरे को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। सो अब क्या शॉर्ट पोजीशन में कॉल ऑप्शन में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, डिपेंड करेगा कि आपको प्रीमियम कितना मिल रहा है। आप 10 रुपये पर ये रिस्क उठाना चाहते हो, 100 रुपये पर रिस्क उठाना चाह रहे हो, 500 रुपये पर रिस्क उठाना चाह रहे हो। तो ये मैंने कॉल ऑप्शन को बेसिकली पूरे पिछले 40 सेशन वाली बात को रिवाइज़ किया, ठीक है, कि ये सारी बातें यहाँ पर मौजूद थी। अच्छा अब हम आ जाते हैं आज के सेशन का मेन और पर्पज़, ये है कि मैं कॉल ऑप्शन को रिवाइज़ करने के बाद पुट ऑप्शन की तरफ आता हूँ। अच्छा पुट ऑप्शन के अंदर क्या पोजीशन थोड़ी सी डिफरेंट है, वो पोजीशन डिफरेंट किस सेंस में है कि यहाँ पर बेसिकली ये टेक्निकली कहलाता क्या है, ये टेक्निकली कहलाता है राइट टू सेल, यानी आप किसी को पेमेंट कर कर ये एग्री कर रहे हो कि भाई अगर मैं तुम्हें सेल करूंगा तो तुम्हें परचेस करना होगा, यानी आप अगर बाय कर रहे हो राइट टू सेल, तो इसका मतलब ये क्या सिचुएशन आ गई, राइट टू सेल बाय करने का मतलब क्या हो गया, ये यहाँ पर अप्लाई होगा। बाय राइट टू सेल टेक्निकली क्या कहलाएगी, लॉन्ग पोजिशन कहलाएगी, और अगर आप सेल कर रहे हो, यानी आप सेल कर रहे हो, क्या सेल कर रहे हो, राइट टू सेल, तो ये आपकी क्या आ गई, शॉर्ट पोजीशन आ गई, ठीक है। तो
तो ये थोड़ा सा मिक्सचर है, लेकिन पोजीशन पॉइंट ऑफ से, यानी दो चीज़ें हैं, एक है ऑप्शन की टाइप कि आप बाई करना चाहते हो या सेल करना चाहते हो, तो जब बाई करने की बात आएगी तो कॉल होगा, और जब सेल करने की बात आएगी, राइट राइट की बात कर रहा हूँ, तो वो पुट होगा। लेकिन आप कॉल सेल कर रहे हो या कॉल बाई कर रहे हो, ये होगा लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन के तौर पे यूज़ हो रहा होगा। अगर आपने कॉल बाई किया, यानी राइट टू बाई बाई किया, तो वो कॉल ऑप्शन के अंदर लॉन्ग पोजीशन आ जाएगी। तो हम यहाँ पर अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं, राइट टू सेल, सही है। अच्छा, राइट टू सेल का मतलब क्या है? राइट टू सेल के अंदर मैं स्पेसिफाइड डेटा आपके सामने शेयर कर देता हूँ, विच इज़ कि सपोज करें आपकी एक्सरसाइज प्राइस क्या है, 900। अच्छा, मैंने एक छोटी सी करेक्शन कर लूँ, पिछली वीडियो मैंने वापस अपने तौर पे खुद भी देखी कि कुछ गड़बड़ नहीं हो गई, तो यस, मेरे मुंह से बीच में एक जगह पर लास्ट वीडियो में निकल गया था कि शॉर्ट मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस एक ही बात है, सही है। स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस एक ही बात है। टेक्निकली मैं इसको करेक्ट करना चाह रहा था, तो ये एक छोटा सा मैं एडिशनल यहाँ पर लिख रहा हूँ। टेक्निकली एक्सरसाइज प्राइस एक होती है जो कि ऑप्शंस बेस्ड होती है, ऑप्शन का के अंदर बिल्ट इन होती है, इसका एग्रीमेंट होता है, और दूसरी जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस के लिए वर्ड यूज़ होता है स्ट्राइक प्राइस। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी गलती लास्ट वीडियो में थी, अब इस वीडियो अपलोड हो गई और सारी चीज़ें हो गई, तो इसको एडिट करने के बजाय इसकी करेक्शन यहाँ पर कर रहा हूँ कि इट वॉज़ माई मिस्टेक, तो आप इसको काइंडली नोट डाउन कर लें कि एक्सरसाइज प्राइस और स्ट्राइक प्राइस दो अलग चीज़ें हैं। मार्केट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस एक ही है, लेकिन एक्सरसाइज प्राइस ऑप्शन की बिल्टिन प्राइस है। अच्छा, अब ये बात आ गई, अब ये डेटा देखें। अब इस डेटा में अगर हम बात करते हैं तो एक्सरसाइज प्राइस 900 रुपये की है। 900 रुपये का मतलब किसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये डेटा है फॉर पुट ऑप्शन, सही है। सो पुट ऑप्शन की एक्सरसाइज प्राइस कितनी है, 900, और प्रीमियम कितना है, 60। इसका मतलब मैं अगर किसी को 60 रुपीज़ का प्रीमियम पे कर दूँ, इट विल अलाउ मी टू हैव अ राइट टू सेल इट 900 रुपीज़, यानी 900 रुपये में मैं उसको सेल कर सकता हूँगा, सही है। अच्छा, अब 900 रुपये में सेल कर सकता हूँगा, तो ये मेरे पास ऑप्शन है। क्या मैं हर ज़रूरी है 900 रुपये में सेल करूँगा? मैं कब 900 रुपये में सेल करूँगा? अगर मार्केट में उस शेयर की जिसके लिए ऑप्शन एक्सरसाइज किया है, ऑप्शन बाय या पे किया जा रहा है, जिसके लिए बिल्ट पे किया जा रहा है, उसकी मार्केट में प्राइस अगर 1200 रुपये होगी, तो क्या मैं ऑप्शन एक्सरसाइज करूँगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट में 1200 का सेल करना है, तो आप क्यों जिस बंदे से एग्रीमेंट किया उसको 900 पे सेल करें, क्योंकि वो आपसे 900 पे बाय करेगा। डेट मीन्स कि आपको 900 रुपये के बजाय अगर मार्केट में प्राइस 400 या 500 होगी, तो आप उसको क्या करोगे, एक्सरसाइज करोगे। तो इसको पे ऑफ को बेसिकली समझ लेते हैं, एग्जांपल पॉसिबल सिचुएशन ले लेते हैं। अब मेरा आपसे सवाल, भाई मार्केट में प्राइस, यानी मार्केट प्राइस या स्ट्राइक प्राइस, मार्केट प्राइस या स्ट्राइक प्राइस 500 रुपये है, मार्केट में हर कोई इसको 500 रुपये पे सेल कर रहा है, अगर आपने ये पुट ऑप्शन, आप पुट ऑप्शन की कौन सी पोजीशन की बात कर रहा हूँ, सही है, लॉन्ग पोजीशन इज बायर ऑफ पुट ऑप्शन, ठीक है। अब मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, इसको क्या डिस्कस कर रहा हूँ, देखें, इसको ये डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन ली है, यानी 3 महीने के बाद राइट टू सेल है 900 का, इसका मतलब ये हुआ कि 60 रुपये तो दे दिए, अब 60 रुपये तो दे दिए, वो तो लॉस है, ठीक है। अच्छा, इसका में ग्राफ भी मौजूद है, फार्मूला, वो फार्मूला आपके सामने नहीं आ रहा, आई थिंक नीचे चले गया, मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ, या ऊपर आ गया, इसको देख लेते हैं, एक मिनट। ओके, ये कॉल ऑप्शन का पे ऑफ है, पुट ऑप्शन का पे ऑफ मैंने रखा था, मैं शायद कहीं पे भूल गया, ढूंढना पड़ेगा, अगर डिलीट हो गया तो हम अभी इसको बना लेते हैं, इसी से ले लेते हैं। ये जो पे ऑफ फॉर कॉल ऑप्शन है, मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है, इधर यहाँ पर रिवाइज कर रहा हूँ, कंट्रोल भी, और ये इधर आ गया, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर इसको कर देते हैं ताकि सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हो जाए। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर पे ऑफ और कॉल ऑप्शन, सर ये समझ में नहीं आया था, ये बता दें, मैं रिपीट कर देता हूँ, कॉल ऑप्शन, अभी कॉल ऑप्शन के बजाय पुट पे देख लेते हैं, पुट ऑप्शन का पे ऑफ क्या है, पुट ऑप्शन का पे ऑफ में प्रॉफिट कैसे निकलेगा, इसमें हम
में से माइनस करते हैं मैक्सिमम ऑफ के और स्ट्राइक प्राइस में से या जीरो, ये जीरो है ठीक है, जीरो में से प्रीमियम माइनस करते हैं। अब इस बात का मतलब क्या? अच्छा, के किसकी नोटेशन थी ये पहले ही बता चुका हूँ, के नोटेशन थी, वापस लिख देते हैं सर, कोई मसला ही नहीं है। के हमारी नोटेशन थी किसकी? एक्सरसाइज प्राइस के लिए के यूज़ होता है, और मार्केट प्राइस के लिए स्ट्रक प्राइस होता है। तो अब अगर मुझे पे ऑफ बनाना है किसका, अभी मैं 500 वाली बात कर रहा हूँ, लॉन्ग पोजीशन का, ये लॉन्ग पोजीशन का लिखा हुआ है। के कितना है? 900 एक्सरसाइज प्राइस, ठीक है। मैक्स ऑफ 900 माइनस एसटी कितना, स्ट्राइक प्राइस कितनी है? 500, 500 लिखा, ठीक है। और ज़ीरो माइनस प्रीमियम, प्रीमियम कितना है? 60 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि इन 900 और 500 में से माइनस किया तो 400 और ज़ीरो आया। इनमें से क्या होना चाहिए? मैक्स होना चाहिए, मैक्सिमम। इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है? 400 है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे 400 -60, तो ये कितना आ गया? 340। डेट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं हैंड रिटन पे जा सकता था लेकिन ये लिखा हुआ है, तो ये टेक्निकली किस में फॉल हो गया? ये आपका प्रॉफिट आ गया। कितना प्रॉफिट आ गया? 340 लॉन्ग पोजीशन का, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से शॉर्ट पोजीशन, अच्छा शॉर्ट पोजीशन को बाद में देखते हैं, इस पे आ जाते हैं। 700, 700 पे ये कैसे होगा? मैं 700 की कैलकुलेशन यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्या दिखा रहा हूँ? फार्मूला क्या? मैक्सिमम ऑफ के इज वॉट? एक्सरसाइज प्राइस विच इज 700, सॉरी 900, एक्सरसाइज प्राइस 900 है, ये के है, सो एक्सरसाइज प्राइस इज 900। इसमें से हम माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे? 700, और जो इन दोनों में से जो होगा उसका मैक्सिमम लेंगे, तो इन दोनों का मैक्सिमम क्या है? 200, और ज़ीरो में से जाहिर सी बात है हाईएस्ट क्या है? 200 है। इसमें से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? प्रीमियम, तो ये कितना आ गया? 140 आ गया। तो ये मैंने कैलकुलेशन किसकी की है? ये कैलकुलेशन मैंने की है इस 140 वाले की, ठीक है। अच्छा, 900 पे अगर बात करते हैं तो एक्सरसाइज ये है 900 का है, तो भाई यहाँ भी क्या आएगा? ज़ीरो आएगा, यहाँ भी क्या आएगा? ज़ीरो आएगा, दोनों में से मैक्सिमम ज़ीरो ही है, -60 तो माइनस, ठीक है, सॉरी हाँ स्ट्राइक प्राइस दोनों में से ज़ीरो माइनस अगर हम करते हैं, एक मिनट, लॉन्ग पोजीशन किसी ने बाय अगर किया हुआ है, एक मिनट, ओके, 60 का प्रॉफिट कैसे होगा जिसने बाय किया हुआ है? एक मिनट, इसमें छोटी सी गड़बड़, हाँ 60 का लॉस आ गया, ठीक है, ये 60 का प्रॉफिट है, इसको मैं सही कह देता, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 60 का टेक्निकली क्या हो गया? लॉस हो गया, और लॉस को हमें माइनस में शो करना होता है, तो ये माइनस वाली बात पे आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यही वाली बात 1000 पे है, तो अब 1000 पे बेसिकली ये होगा क्या? 1000 पे अगर हम बात करते हैं तो टेक्निकली ये राइट टू सेल मार्केट में ओके कंट्रोल सेट, हाँ 60 रहेगा। इस पे देख लेते हैं 900 के बाद, अगर ये 1000 प्राइस है, 1000 प्राइस की बात को मैं समझा देता हूँ, 60 तक अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो 1000 की भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ। अब मैं रेड पेन से रिपीट कर रहा हूँ इस 1000 वाली बात, यानी अब मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ प्लस माइनस। फार्मूला क्या है? मैक्स ऑफ के कितना है? मैक्स ऑफ के इज वॉट? 900, ठीक है। स्टॉक प्राइस कितनी है? 1000, और ज़ीरो, इसमें से प्रीमियम माइनस करेंगे 60, ओके। तो इसका मतलब 900 में से 100 माइनस, 1000 माइनस किया, 100 और ज़ीरो, ओके। अब इतनी मैथ्स आपको बेसिक ज़रूर आनी चाहिए कि 100 मैक्सिम माइनस नेगेटिव 100 इज़ मैक्सिमम और ज़ीरो मैक्सिमम, ज़ीरो बड़ा है या -100 बड़ा है, दोनों में से क्या बड़ा है? ज़ीरो बड़ा है। तो इसका मतलब मैं 0 -60 करूँगा तो फाइनल आंसर मेरे पास 60 ही आ रहा है, तो ये मैंने 60 यहाँ पर लिख दिया, ये 60 माइनस में ही आएगा। आई होप ये वाली बात समझ में आ रही। 1100 पे भी क्या होगा? 60 माइनस होगा, ये भी 60 ही माइनस होगा। अच्छा, जब हम इधर आते हैं तो इधर अगर किसी ने सेल किया होगा तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? जो सेल करेगा शॉर्ट पोजीशन पे होगा, उसके लिए ऑब्लिगेशन हो जाएगी, ऑब्लिगेशन। उसको तो देखा जाए राइट टू सेल परफॉर्म करना ही करना है, राइट टू सेल उसने सेल कर दिया है। राइट टू सेल को सेल करने का मतलब ये है कि अगर कोई आपको बेचने के लिए आएगा तो आपको उससे खरीदना ही पड़ेगा। तो
आपने अगर किसी ने शॉर्ट पोजीशन इस पे ली हुई है, इस सिचुएशन पे शॉर्ट पोजीशन ली हुई है और 500 मार्केट प्राइस हो गई, भाई मार्केट में 500 का बिक रहा है और मैं आपसे एक एग्रीमेंट कर चुका हूँ कि मुझे 900 का बेचना, तो आप एज अ लॉन्ग पोजीशन होल्डर अपना फ़ायदा कमाने के लिए मेरे पास आओगे नहीं आओगे? आप क्या बोलोगे, भाई तुमने एग्रीमेंट किया था तो बेचो? तो इसका मतलब ये होगा इसी सिचुएशन को रिवर्स होगी। तो ये मैंने पे ऑफ फॉर पुट ऑप्शन प्रॉफिट वगैरह वाली बात के तौर पे बताया, सही है? ये पे ऑफ किस की पोजीशन डिस्कस की है? ये पोजीशन मैंने डिस्कस की है बेसिकली लॉन्ग पोजीशन के लिए, यानी ये लॉन्ग पोजीशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो लॉन्ग पोजीशन को अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, ओके इसको पूरा ही कर दें, यस, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं लॉन्ग पोजीशन को डिस्कस कर रहा हूँ तो ये प्रीमियम, तो शॉर्ट पोजीशन में इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो यही वाली बात अगर मैं कलर्स के लिहाज से बात करते हैं तो यस, ये आपके सामने आ गया, ये प्रॉफिट हो रहा है तो ये लॉस हो गया। लेकिन अगर मैं अब यहाँ पे आता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। इसके ग्राफ की तरफ भी जाते हैं तो ये अब आपके सामने एक ग्राफ मौजूद है जो मैंने पहले से बना के रखा था लेकिन मैनुअल कैलकुलेशंस आपको शो की। अब अगर हम आगे बढ़ें, थोड़ा सा आगे बढ़ने से मुराद क्या है, मुझे ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ किस तरीके से बन रहा होगा, इसके ग्राफ के लिए ठीक है, सबसे पहले नॉर्मल अगेन वही ब्लैक लाइन वाली बात, और ये पे ऑफ है कि पे ऑफ फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, और यहाँ पर हम क्या शो कर रहे होते हैं, स्ट्राइक या मार्केट प्राइस जो भी होगी, एक्सरसाइज प्राइस तो आपको मालूम है, ये ज़ीरो हो गया तो ये कितनी है, चले 500, 700, 900, 1000, 1000, 1100 एंड 1300 समथिंग, ठीक है। तो मैं अब पहले क्या कर रहा हूँ, लेट्स चेंज द पेन टू समथिंग के समझ में आ जाए, ठीक है। हम कर रहे हैं लॉन्ग पोजीशन की बात कर रहे हैं, लॉन्ग पोजीशन के लिए, सही है, लॉन्ग पोजीशन के लिए मैं पेन ले रहा हूँ, लेट्स से ब्लू लॉन्ग पोजीशन। अच्छा, लॉन्ग पोजीशन के लिए क्या करना होगा, लॉन्ग पोजीशन में सिचुएशन क्या आ रही होगी, 500 पे फ़ायदा हो रहा है, अच्छा इस पे भी लाइन अगर मैं लगा लूँ तो क्या आ रही होंगी चीज़ें, ऐसा करते हैं ये 340 है ना, तो 70 के ब्रेक बना लेते हैं, 70, 140, 210, 280, 350 अप्रॉक्स आ गया, तो 500 पे कुछ यहाँ पे नंबर आ रहा होगा, 700 पे कुछ 140 पे नंबर आ रहा होगा, लेकिन 900 पे कुछ 60 पे माइनस आ रहा होगा, तो ये माइनस 70 है तो अप्रॉक्स कहीं यहाँ पे नंबर आ रही होंगे। तो लॉन्ग पोजीशन के लिए पेन क्या लिए, मैं इसका ग्राफ बना रहा, 340 कुछ यहाँ तक आया, थोड़ी देर के लिए इसको विजिबल कर देते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो ये माइनस 60 लट से इधर आ रहा है, तो इसका मतलब ताकि ग्राफ समझ में आए, यहाँ पर आ गया 900 पे, 900 के बाद 1000 पे भी 60 का लॉस है, 1100 पे भी 60 का लॉस है, 1300 तक लॉस है, तो ये वाला ग्राफ टेक्निकली क्या है, लॉन्ग पोजीशन। ये लॉन्ग पोजीशन किसकी है, पुट ऑप्शन की है, पुट ऑप्शन की लॉन्ग पोजीशन आपके सामने आ गई, सही है। सो अब हम लेट्स चेंज द पेन, ठीक है, और पेन चेंज करते हैं और अब हम ग्राफ बनाते हैं, किसका ग्राफ बनाते हैं, शॉर्ट पोजीशन का, ठीक है। तो शॉर्ट पोजीशन का अगर ग्राफ बनाना है तो शॉर्ट पोजीशन 500 पे लॉस हो रहा है, तो ये इसी का रिवर्सल करेंगे तो कुछ यहीं तक सिचुएशन नज़र आ रही होगी अप्रॉक्स, ठीक है, यहाँ पे सिचुएशन ये नज़र आ रही होगी, तो कुछ लाइन इस तरीके से जा रही होगी, 900 पे क्या हो गया, 60 का प्रॉफिट हो गया, 60 का प्रॉफिट होने के बाद ये प्रॉफिट रेगुलर बेसिस पे जा रहा है, तो ये जो ग्रीन लाइन है ये बेसिकली क्या है, शॉर्ट पोजिशन इन पुट ऑप्शन, ठीक है, शॉर्ट पोजिशन इन पुट ऑप्शन के तौर पर ये चीज़ आ गई, आई होप ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ अगर हम देखते हैं तो पिछले वाले जो ग्राफ थे ये ग्राफ कॉल पोजीशन के थे, यहाँ पे देखें शुरू में कम है और जब हाई प्राइस होती है तो लॉस बढ़ते या कम होते हैं, यानी अगर फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन प्राइस की ज़्यादा है तो क्या करना चाहिए, ठीक है। और यही वाली बात यहाँ पे कम है कि अगर प्राइस कम हो रही होती है तो पुट ऑप्शन के तौर पर आ रही है, तो यहाँ तक ये वाली बात क्लियर हो गई, ठीक है। मैंने पुट ऑप्शन को अभी 20 मिनट के अंदर शुरू के कॉल ऑप्शन को रिवाइज करके पुट ऑप्शन को थोड़ा तेज़ डिस्कस किया, क्योंकि लास्ट में कॉल ऑप्शन भी हमने साथ साथ डिस्कस किया हुआ था,
तो आई होप यहाँ तक कोई बात के लिए प्रॉब्लम नहीं करनी चाहिए, अगर है तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन अब ये बात अच्छे तरीके से थोड़ा सा एक और चीज़ सम अप डिस्कस कर लूँ, तो इसको मैं अब सम अप कर रहा हूँ पिछले सेशन को और आपके सेशन को, कि ऑप्शंस दो तरह के होते हैं। एक एक कॉल कॉल ऑप्शन के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, कॉल ऑप्शन के अंदर हम बेसिकली डिस्कस कर रहे होते हैं ऑप्शन टू बाय इट सर्टेन असेट, बाय अ सर्टेन असेट एस अ सर्टेन एंड सर्टिफाइड प्राइस एस सर्टेन प्राइस। ठीक है, ठीक है। तो इसी तरीके से पुट ऑप्शन की बात करते हैं, तो पुट ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन टू सेल, यानी यहाँ पर राइट है ऑप्शन, यानी ऑप्शन भी कह देते हैं, राइट्स भी कह रहे होते हैं, वर्डिंग सेम ही है कि राइट टू बाय भी कह सकते हैं इसको। अगर मैं टाइप करूँ तो ऑप्शन के बजाय हम यहाँ पर राइट लिख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन के बजाय हम राइट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन में एक ये बात आई। अच्छा, ऑप्शन में अगर आपने कॉल ऑप्शन बाई किया है, अब गौर से सुन लें मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपने, अब यहाँ पर दो पॉसिबल सिचुएशन है, अगर आप कॉल ऑप्शन, ओके सॉरी ये बाय मिस्टेक आ गया, हाँ ओके, अगर आपने बाई किया है कॉल ऑप्शन, इसका मतलब आप क्या आ गए, लॉन्ग पोजिशन पर आ गए, किसकी कॉल ऑप्शन की, लेकिन कॉल ऑप्शन को सेल भी तो कर सकते हैं, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, शॉर्ट पोजीशन हो गई। इसी तरीके से पुट ऑप्शन अगर आप बाई करेंगे तो इसका मतलब आपके पास लॉन्ग पोजीशन है, और पुट ऑप्शन अगर आप सेल करेंगे तो ये क्या हो गई, शॉर्ट पोजीशन हो गई। ठीक है, अच्छा ये करने के बाद अगर मैं तेज़ी के साथ इसको थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ, आई नीड वन मोर स्लाइड टू डिस्कस दिस इन डिटेल। ठीक है, तो ये हो गया, इसको डिलीट करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। तो अब अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तेज़ी के साथ, अब मैं देखें किसका ग्राफ बना रहा हूँ, बिल्कुल सम अप कर रहा हूँ, ग्राफ से आइडिया हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं अब कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, कॉल ऑप्शन का शेप नज़र आ गया। ठीक है, तो अगर आपको पहचान आने चाहिए कि क्या है, मैं यहाँ पर कॉल ऑप्शन के लिहाज से बात कर रहा हूँ, और पहले सबसे पहले ये, ठीक है, और ये लाइन है। ठीक है, अगर मैं इस तरह का ग्राफ बना रहा हूँ कि एक सिचुएशन ऐसी है कि शुरू में ये है और फिर उसके बाद क्या हो गया, डिक्लाइन हो गई, ये कॉल ऑप्शन की सिचुएशन है। ठीक है, अच्छा, और अगर मैं पेन चेंज करता हूँ और एक सिचुएशन ऐसी आ रही है, ये यूँ जा रही है, तो ये भी कॉल ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा, आप में से अगर कोई पहचान सकता है तो एक्सीलेंट, कि कौन सा लॉन्ग है और कौन सा शॉर्ट है। आपके लिए मैं थोड़ी देर का पॉज दे रहा हूँ, रुक रहा हूँ, आप खुद सोचें, आइडेंटिफाई करें कि इसमें से पॉज लॉन्ग और पोजीशन कौन सी है, शॉर्ट कौन सी है, अपने पास नोट डाउन करें। और नोट डाउन करने के बाद आपको मालूम होना चाहिए कि रेड क्या है और ब्लू क्या है। तो रेड टेक्निकली लॉन्ग पोजीशन है, ये आपको फौरन आइडिया होना चाहिए, और ये बेसिकली शॉर्ट पोजीशन है, इसको भी इसी से लिख देते हैं, लेकिन किसकी, कॉल ऑप्शन की। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया, अब हम आ जाते हैं पुट ऑप्शन को भी यहीं पे लिखते हैं। पुट ऑप्शन के अंदर क्या था, पुट ऑप्शन के अंदर अगर हम थोड़ी देर के लिए ये देखते हैं तो कुछ इस किस्म के ग्राफ बने थे। ठीक है, तो अगर मैं पुट ऑप्शन का ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है एक मिनट, तो पुट ऑप्शन के ग्राफ किस तरीके से आ रहे होंगे, पुट ऑप्शन के लिए लेट मी चेंज द पेन, एक ग्राफ कुछ इस तरीके का आ रहा होगा। ठीक है, और लेट्स चेक ब्लू ही रख लेते हैं हूँ मैं, कि वो कुछ इस तरीके की सिचुएशन आ रही होगी, ये यूँ जाएगा और ये यूँ आएगा। तो ब्लू वाला टेक्निकली क्या है और ग्रीन वाला क्या है, ये आपने डिसाइड करना है, और डिसाइड करने के बाद खुद पहचानना है। ये मैं किसकी एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, अभी हम आ गए हैं पुट ऑप्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो पुट ऑप्शन के अंदर ये वाला ग्राफ लॉन्ग पोजीशन का है या ये वाला ग्राफ शॉर्ट पोजीशन का, ये आपकी एक्टिविटी है पहली, मतलब आपको आपने, लेकिन ये सबमिट नहीं करवानी, ये जो लेक्चर रजिस्टर की समरी बनानी थी ना, उसमें आपको मालूम होना चाहिए कि ये चीज़ किस तरीके से हो रही होगी। तो पुट ऑप्शन के लिहाज से अगर हम बात करते हैं, सही है, तो पुट ऑप्शन के अंदर ये पोजीशन, आप आई होप आप सब नोट कर चुके हैं अपने पास रजिस्टर में, या लिख नोट कर लें कि भाई ऊपर वाला शॉर्ट है या नीचे वाला शॉर्ट है, ऊपर वाला लॉन्ग है या नीचे वाला लॉन्ग है। सो आई थिंक 3-4 सेकंड हो गए आप लिख चुके हैं, तो मैं लिख देता हूँ, अब अपना आंसर वेरीफाई करें कि ये टेक्निकली क्या कहलाएगी, शॉर्ट पोजीशन,
और ये बेसिकली कौन सी पोजीशन कहलाएगी, लॉन्ग पोजीशन, किस में, पुट में, ठीक है। अच्छा ये हो गया, अब आपकी मेन एक्टिविटी जो आपका समर का पार्ट है वो क्या दे रहा हूँ, वो ये कि यू शुड नो कि अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होंगी, अगर आपको लग रहा है तो इस अपने यहाँ पे आइटम ऑप्शन भी दे देता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे तरीके से आइडिया हो, बल्कि ये मुझे एक और स्लाइड चाहिए होगी इधर, तो लेट्स इंसर्ट दिस। ओके तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपके पास मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन कौन कौन से दे रहा हूँ, पहला ऑप्शन है ए लॉन्ग पोजिशन इन कॉल, ठीक है, बी शॉर्ट पोजिशन इन कॉल ऑप्शन, ऑफ कोर्स ऑप्शन, फिर सी आ गया लॉन्ग पोजिशन इनपुट ऑप्शन, और डी शॉर्ट पोजिशन इन पुट ऑप्शन। ये चार पोजिशन है, अब ये चारों पोजिशन आपके पास मौजूद तो हैं, लेकिन सही है, व्हाट विल बी योर कोर्स ऑफ एक्शन। अब आपको ये मालूम करना आना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि आपका एक्शन क्या होगा इन चारों पोजीशन में से, सही है, और ये आंसर आपको अपने लेक्चर रजिस्टर के अंदर जो सबमिट करवाएंगे उसमें लिखना ही है, और वो क्या होगा, लेट मी टाइप क्वेश्चन दिस। और आप, मैं ये टाइम पहले से बना के रख सकता था, लेकिन सिर्फ एक्टिविटी साथ साथ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको थिंकिंग प्रोसेस में हर सारी इंफॉर्मेशन एक साथ फ्लो ना हो, ठीक है। सो If an investor is thinking that prices of any underlying assets will increase, ठीक है, what option, what he should do as a position? He should go for A or B और सी और डी, ठीक है। अच्छा उसको क्या करना चाहिए, ए पे जाना चाहिए भी? अच्छा रिमेंबर, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि खाली आइधर ए और बी भी हो सकता है आंसर, आइधर बी और डी भी हो सकता है, ठीक है, आइधर सी और डी भी हो सकता है, यानी एक के साथ साथ आइधर आपका आंसर, यानी ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, यानी मैं आपको आंसर्स कितने दे रहा हूँ, ये सब आपके आंसर्स हैं। आइधर इवन अगर मैं कहता हूँ ए और सी, इस तरीके से कॉम्बिनेशन भी बन सकते हैं, नहीं आपको लगता है नहीं चारों करना चाहिए तो चारों भी कर सकता है, लेकिन ऑफकोर्स चारों नहीं होगा, इसमें से क्या कोई एक पोजिशन होगी या दो पोजिशन होगी, तो ये आपको इसका आंसर सोच के रखना है कि ये क्या हो रहा होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा ये एक क्वेश्चन हुआ, इसी तरीके से मैं दूसरा क्वेश्चन भी दे रहा हूँ कि भाई इंक्रीज था ना, अब मैं आपकी एक्टिविटी के लिए क्या दे रहा हूँ कि इंक्रीज के बजाय क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो उसको क्या करना चाहिए, और कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू, ये भी हो सकता है ना, तो इनमें से जो आपको इजी लगता है वो आप कर सकते हैं। आई होप ये एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। अच्छा इस एक्टिविटी के बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब ऑप्शन की थ्योरी पार्ट से दो तीन छोटी छोटी चीज़ें बाकी हैं, यानी ये ग्राफ मैं आपको सामने डिस्कस कर चुका हूँ, आपको मालूम होना चाहिए, आप इस एक्टिविटी में ग्राफ से भी डिस्कस कर सकते हैं। भाई फ्यूचर में आपको लग रहा है कि प्राइसेस बढ़ेंगी, यहाँ पे ST ये क्या रहा, इसको ग्राफ से भी लिंक कर सकते हैं, भाई ये ST था ना, मार्केट प्राइस ही था ना, मार्केट में प्राइस आपको लग रहा है बढ़ रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। मैंने आपको आंसर की हिंट दे दी ताकि आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े, बात समझ में आ जाए। ओके तो ये होने के बाद अब आ जाते हैं एक चीज़ जो भूल गए, अब तक हम जो पढ़ रहे थे टेक्निकली वो यूरोपियन ऑप्शन थे, सर ये अब क्या आ गया नया, ठीक है, अब थोड़ी सी थ्योरी सुन लें, देखें एग्रीमेंट क्या था, एग्रीमेंट ये था कि मिसाल के तौर पे टुडे इज़ व्हाट 4 जुलाई, जुलाई की कौन सी तारीख है, लेट्स से 15 तारीख है आज,
ठीक है, नहीं सर 16 तारीख है, चले 15 या 16 जो भी है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लिखी भी चाहिए, मैं कैलकुलेटर में देखना भी नहीं चाह रहा, चला 16 है। आप कहते हो आफ्टर 3 मंथ, सही है, आई वॉन्ट टू बाय 8, सही है, आई वॉन्ट टू बाय 8, सही है, लेट्स से किसी चीज़ की प्राइस ऑफ टुडे लिखते हैं, प्राइस टुडे कितनी है किसी चीज़ की, है 500 रुपये, और आप कहते हो कि मैं बाई, आपको लग रहा है कि वो 600 की हो जाएगी, मैं 550 पे बाई करना चाहता हूँ एज एन ऑप्शन, और आप कहते हो मुझे इससे 20 रुपये ले लो, अभी हो सकता है मैं खरीदने आऊँ, हो सकता है मैं खरीदने नहीं आऊँ, नहीं आऊँगा तो 20 रुपये तुम रख लेना, आपने ही कर दिया। तो अब आफ्टर 3 मंथ की बात कर रहे हैं, तो जुलाई अगस्त फर्स्ट मंथ, सितंबर और अक्टूबर, 3 महीने हो गए, अक्टूबर 15 को अगर, यानी आफ्टर 3 मंथ, अक्टूबर 15 को अगर प्राइस 650 है तो मैं एक्सरसाइज करूँगा, लेकिन व्हाट इफ अक्टूबर 15 के बजाय अगस्त 15 को ही प्राइस 650 हो गई, तो क्या ये मैं ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता हूँ? फ़ायदा तो हो रहा है, ठीक है, तो अगर यूरोपियन ऑप्शन होता तो मैं अगस्त 15 को एक्सरसाइज नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि यूरोपियन ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ मेच्योरिटी पे एक्सरसाइज होगा, 3 महीने की बात की थी ना, तो जुलाई 15 से लेकर अक्टूबर 15 तक 3 महीने के बीच में चाहे कोई भी प्राइस हो जाए मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता, तो ये टेक्निकली क्या कहलाएगा? यूरोपियन ऑप्शन। लेकिन अगर मैं अमेरिकन ऑप्शन बाय करता तो वो कहते हैं भाई 3 महीने में जब भी खरीदने के लिए आना चाहो आ सकते हो, तो इसका मतलब आप पूरे टाइम का ऑप्शन दे रहे हो। इट माइट बी पॉसिबल कि अगस्त के अंदर 450 प्राइस हो तो आपको लगे आपको लॉस हो रहा है, लेकिन अक्टूबर की 1 तारीख को झटके से 700 प्राइस हो जाएगी तो आप बोलोगे यार प्रॉफिट हो रहा है, अभी एक्सरसाइज कर लेते हैं। अब आपने एक्सरसाइज कर लिया और अक्टूबर 15 को वो चीज़ 750 की हो गई तो आप एक्सरसाइज कर चुके हो, तो नुकसान हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब अमेरिकन ऑप्शन इज़ मोर रिस्कियर, अमेरिकन ऑप्शन में मोर रिस्कियर है, क्योंकि आपके पास एक बेनिफिट तो है, कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो, तो इसकी प्राइस भी ज़्यादा होती है। अमेरिकन ऑप्शन का प्राइस से मुराद प्रीमियम, यानी ऑप्शन हमेशा अमेरिकन ऑप्शन का प्रीमियम हमेशा बड़ा होगा यूरोपियन ऑप्शन के प्रीमियम से, ठीक है, यानी इसकी प्राइसेस वो हमेशा महंगा होगा, क्यों? क्योंकि आप कभी भी एक्सरसाइज करने का पावर दे रहे हो, और कभी भी एक्सरसाइज करने के पावर के साथ साथ आप ज़्यादा प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है, सही है, तो इस वजह से ये महंगा होता है, ज़्यादा वॉलेटाइल हो रहा होता है, तो ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन मैं कहूँगा कि इनिशियल लेवल पे, अच्छा पैंडेमिक वाली सिचुएशन की वजह से ये फेस टू फेस टीचिंग के अंदर तो मैं आपको इसकी प्राइसिंग और डिटेल भी डिस्कस कर रहा था, लेकिन अभी मिनिमम एज अ थ्योरी मालूम होना चाहिए। अगेन ये सारी एज अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट्स की बात हो रही है, पाकिस्तान के अंदर यूरोपियन ऑप्शन या अमेरिकन ऑप्शन की क्लासिफिकेशन के नाम से फिजिबिलिटी अवेलेबल नहीं है, इंडेक्स ऑप्शन मौजूद है। अगर अच्छा, अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए, आपको मुझे यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ करनी पड़ेगी कि मुझे ये ओके स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली बात, अगर मैं ओके सो ये एक रफ आइडिया हो गया। अच्छा, इसमें एक और छोटी सी चीज़ है, उसकी तरफ जाते हैं, पहले गूगल पे दिखा देता हूँ। गूगल पे अगर हम जाते हैं तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, ऑप्शंस या एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस की बात कर देते हैं, तो कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन क्या, एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन पे जाते हैं, ऑप्शन से अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे, या सिंपली एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन लिखना था मैंने, एक्सचेंज ओके ट्रेडेड ऑप्शन, अच्छा इस पे अगर हम आते हैं तो देखें आपके सामने पुट और कॉल ऑप्शन के नाम से चीज़ें नज़र आ रही हैं। अच्छा, इस पे जाते हैं तो ये इन्वेस्टर में देखा जाए तो एक इंटरनेशनल मार्केट है, जो कि कह रही होती है कि एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस वगैरह क्या हो रहे होते हैं। अब अपने तौर पे इसके इंसाइट्स को, जिस तरीके से मैंने आपको याद होगा मैंने पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज को डिस्कस किया था, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, हियर इट इज़। तो इसके अंदर देखा जाए तो PMX के अंदर कमोडिटी मार्केट्स की देखी थी, और कमोडिटी मार्केट्स के अंदर, अच्छा इस वक्त इत्तेफाक की बात है, यस ये ऑनलाइन है तो ऑनलाइन वाली बात आपके सामने आ रही है, ये ऑनलाइन होगा, ट्रेडिंग आपके सामने नज़र आ रही होगी। अच्छा, जिस वक्त ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ इस वक्त मार्केट ऑनलाइन थी, मार्केट वॉच पे जाते हैं, ये देखें इस वक्त कुछ ना कुछ फुल स्क्रीन,
ओके, आई थिंक मार्केट 3:30 बज चुके हैं, ये 3 के लिहाज से, तक के लिहाज से था, मैं जिस रिकॉर्ड पे करवा रहा हूँ उस वजह से ये अवेलेबल नहीं। ओके, सो दे नहीं, मार्केट हो रही है 3:30-4 बजे तक का टाइम था। देखें, ये आपके सामने रेट्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें एक्टिविटी नज़र आ रही है, हो रही है। तो इसी तरीके से ये तो फ्यूचर मार्केट्स के हवाले से हमने डिस्कस किया था। तो अब आ जाते हैं ऑप्शन की। ऑप्शन के अंदर अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये इंटरनेशनल मार्केट्स हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस वगैरह की चीज़ें किस तरीके से हम आपको एक्सप्लोर करेंगे तो नज़र आएगा। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के एक सिचुएशन थी, मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन मैं इस पर इंडेक्स ऑप्शन था कहीं ना कहीं पर, ठीक है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के अंदर फिक्स उन्होंने फ्यूचर के अंदर कहीं पर लिखा हुआ था एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स, सॉरी डेरिवेटिव्स या सीआरईटीज, मुझे डेरिवेटिव्स पे आना था। अब डेरिवेटिव्स में देखें क्या है, सिंगल स्टॉक सेटल्ड फ्यूचर्स, स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स, ठीक है, ऑप्शंस क्या कह रहा है, डेरिवेटिव विल बी इंट्रोड्यूस इन नियर फ्यूचर ऑन पीएफ। देख लें ऑप्शन, जैसे ही ये आएंगे तो उस वक्त आपको ये मालूम होना चाहिए डेवलप मार्केट्स के अंदर ये ऑलरेडी ऑफर की जा रही है, सही है। लेकिन ऑफ कोर्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आपके सामने मौजूद हैं कि डीएफसी क्या होते हैं ये आप अपने तौर पर डिस्कस करते हैं। देखिए, ये रियल लाइफ सिचुएशन में ये प्रोडक्ट जैसे जैसे डेवलपमेंट आ रही है तो डेरिवेटिव्स मौजूद हैं। अब मुझे नहीं मालूम आपका ने स्टॉक एक्सचेंज के लिहाज से फाइनेंस के बेसिक कोर्सेज के अंदर उसकी कितनी डिटेल्स डिस्कस की हुई है, लेकिन डेरिवेटिव मार्केट एग्जिस्ट करती है। अच्छा, स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर क्या है, इनकी प्राइसिंग कैसे होती है, ये कह रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज फ्यूचर फिलहाल इस पर मौजूद है और ये जुलाई 2019 के अंदर स्टॉक एक्सचेंज के लिए इंट्रोड्यूस करना था, लेकिन ये आई थिंक 3 या 4 महीने डिले हुआ था और ये अक्टूबर या नवंबर 2019 के अंदर से ये स्टार्ट हो रहा है स्टॉक एक्सचेंज। और उन्होंने उसी वक्त कहा था कि देवर गोइंग टू लॉन्च ऑप्शंस इन जुलाई 2020, लेकिन ये उस वक्त था, तो अब ये रिवाइज़ कर चुके हैं। तो ऑफकोर्स रिवाइज कर, ये पेंडेमिक वाली सिचुएशन की वजह से रिवाइज़ किया है या बैकग्राउंड पे काम बाकी है, लेकिन जब ये आएंगे तो आपको आइडिया होना चाहिए कि फिर डेरिवेटिव्स भी इनके पास मौजूद है। फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ हमने डिस्कस किए हुए हैं कि गवर्नमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट या कॉर्पोरेट डेट इंस्ट्रूमेंट, ये हम डिस्कस कर चुके थे। ट्रेजरी बिल्स याद होगा, ये देखें आपके सामने ट्रेजरी बिल्स नज़र आ रहा है, PIBs। अच्छा, ये एक्चुअल बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इश्यूज हैं। कॉर्पोरेट की बात करते हैं तो जिस तरीके से हमने बॉन्ड वैल्यूएशन को डिस्कस किया था, तो कुछ ये इंस्ट्रूमेंट मौजूद है। अब ये किस तरीके से फंक्शन करते हैं आपको मालूम होना चाहिए। ऑफ कोर्स इक्विटी में अगर हम बात करते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज है इक्विटी मार्केट। अब इसके अंदर इतनी आइटम्स मौजूद हैं, अब ये क्या है, आपने सिंपली रेगुलर और रेडी मार्केट्स में तौर पर चीज़ें कवर की हैं, सही है। अच्छा, अब ये क्या होते हैं शॉर्ट्स वगैरह के लिहाज से, एक्चुअल ऑपरेशंस क्या होते हैं, तो आपको इसके लिंक करने आना चाहिए। तो मकसद सिर्फ आपको बताने का, अच्छा ये चीज़ आ गई। अच्छा, इसके बाद अगर मैं वापस स्लाइड्स पे जाऊँ तो एक और छोटी सी चीज़ रहती थी कि कॉल ऑप्शंस प्राइसेस कैसे निकलती हैं, ये अगर मिसाल ले लेते हैं, मैं आपके सामने प्राइसिंग ऑफ एक्चुअल मार्केट में इस वक्त डायरेक्ट लिंक करके दिखा देता हूँ कि उसको रीड कैसे करते हैं। तो उसको रीड करने के लिए, यस हियर इट इज़, मैं आ जाता हूँ ऑप्शन प्राइसेस ऑफ लेट्स से गूगल स्टॉक्स, ओके, गूगल एन एस एंड पी, सॉरी एस पी 500, ओके, एस एंड पी इंडेक्स 500। ये अब आपके सामने देखें जो चीज़ें आ रही होंगी ना, ऑप्शन प्राइसेस हैं और ये एक्चुअल ऑप्शन प्राइसेस हैं, आनी चाहिए थोड़ी देर पहले। अच्छा, इंटरनेट से लो है, मेरा इंटरनेट से लो इस वजह से। अब ये देखिए, ये क्या नज़र आ रहा है, ये स्ट्राइक प्राइस कह रहा है कि भाई आपको 31:10 पे ख़रीदना है, 31:15 पे ख़रीदना है, इस पर ख़रीदना है, इस पर ख़रीदना है, इस पर ख़रीदना है। अच्छा, बिड और आस्क वगैरह का डिफरेंस भी आ रहा है कि भाई 3200 पे ख़रीदना है फ्यूचर के लिहाज से। तो ये अगर देखा जाए तो कब नियर मनी वगैरह वाली बात, अच्छा ये नियर मनी एट दी मनी वाली बात मैंने डिटेल में डिस्कस नहीं की। तो ये इस तरह के स्टॉक ऑप्शंस वगैरह मौजूद हैं। चलिए, मैं इसको बहुत ज़्यादा रियल लाइफ सिचुएशंस के अंदर मल्टीपल आइटम्स हैं वो डायरेक्टली नहीं आएंगे, थोड़ा सा बेसिक पे इस स्लाइड से डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आइडिया हो इसका मतलब क्या। ये जुलाई की सिचुएशन है, ये सेप्टेम्बर की सिचुएशन है, ये दिसंबर की सिचुएशन है, और ये किस वक्त की बात है, जून 25 की बात है, ठीक है। अच्छा, ईयर को इग्नोर कर दें सिर्फ समझाने के लिए, ईयर को इग्नोर कर। अच्छा, ये इनडायरेक्टली आप देख सकते हैं कि अभी हम गूगल पर ही गए, ठीक है, तो इसके तौर पर वो उस वक्त गूगल का एक डॉलर की जो भी प्राइस थी, चलें इसको हम इग्नोर कर देते हैं। वो कहते हैं कि भाई अभी अगर आपको बाई करना है
अभी आपको बाय करना है, ठीक है, तो कितने पर? $56 पे मिल जाएगा, यानी आज एज ऑफ टुडे की बात हो रही है, टुडे अभी बाय करना है, फाइव से अभी सेल करना है तो इतने पर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक बाय कर रहा है और एक सेल कर रहा है। अच्छा, अब जुलाई में, अगर आप जून के बाद जुलाई में करते हैं तो वो कहते हैं इतने पे करो तो हम आपसे इतने पे कॉल ऑप्शंस, यानी इतने पर बाय कर सकते होगे आप हमसे 520 पर, यानी ₹46 दो। इतने पर अगर आप ऑफर करते हो, इसका मतलब अगर आपको हमसे चाहिए, यानी शॉर्ट पोजिशन लेनी है तो आप यहाँ पर आ जाएँ, और लॉन्ग पोजिशन लेनी है तो यहाँ पर आ जाएँ, ठीक है। इसी तरीके से ये सिचुएशन रिवर्स, सॉरी मैं भूल गया, ये लॉन्ग पोजीशन का रेट है और ये शॉर्ट पोजीशन का रेट है। आपको बेचना है तो इधर पे आ जाए और ख़रीदना है तो इधर आ जाए। ऐसी बात है, ख़रीदने वाले को महंगा मिल रहा होता है, बेचने वाले को कम पैसे दे रहे होते हैं। तो ये प्राइसेस हैं, यानी क्या हो रहा है यहाँ पर, लग रहा है भाई 600 पे कोई बाय खरीद करेगा नहीं करेगा एक महीने के बाद। इस वक्त प्राइस कितनी है नाउ? 561। और एक मंथ, आफ्टर 1 मंथ, क्या आपको लगता है 600 हो जाएगी? हो सकता है सर 620 हो जाए, तो फिर आप 600 पे तो बाय करने के लिए एग्री करोगे ना। तो वो कह रहे हैं भाई इतना, यानी इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं हो रही, लेकिन दिसंबर में कह रहे हैं कि आपको 600 पर बाय करना है तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। यानी इनडायरेक्टली क्या हुआ कि जब ऑप्शन ऑफर किए जाते हैं तो सिंगल एक्सरसाइज प्राइसेस नहीं हो रही होती, जो हमने डिस्कस किया हुआ है ना, ऑफर जब कर रहे होते हैं तो सिंगल प्राइसेस नहीं हो रही होती, सही है, डिफरेंट प्राइसेस पे वो ऑफर कर रहे होते हैं कि भाई इस प्राइस पे बाय करना है, 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 सही है। तो ये एक आइडिया था, यानी एक पूरी हायरार्की होती है, और ये टाइम बेसिस पे होती है कि किस पीरियड का, जितना 6 महीने के बाद की आप प्राइस फिक्स करवाना चाहोगे तो प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा, 1 हफ्ते के बाद की प्राइस, 1 हफ्ते को प्रिडिक्ट किया जा सकता है जल्दी, लेकिन 3 महीने के बाद को प्रिडिक्ट करना समटाइम मुश्किल होता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। इंशाल्लाह अगले सेशन में हम स्वैप्स को स्टार्ट लेंगे।